नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये है लेक्चर नंबर 5। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देखिए। दिस इज अ कंप्लीट प्लेलिस्ट, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो 1-4 को भी जरूर देखें और आगे भी ये लेक्चर कंटिन्यू होंगे सीरीज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया और बिन कासिम और गजनी के बारे में। तो ये दो टॉपिक्स हैं बेसिकली, इस्लाम का उदय कैसे होता है, उसके बाद बिन कासिम और गजनी के माध्यम से कैसे इस्लाम भारत तक पहुंचता है, कैसे नॉर्थ इंडिया के ऊपर अटैक्स होते हैं, इसकी कहानी हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर को सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मेरे इस ID पर मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं MCQs प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो यहाँ पर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ पर हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं। सो डू ज्वाइन इन फॉर दोज लेक्चर्स। आइए अब वेस्ट एशिया या जिसे अंग्रेज मिडिल ईस्ट कहते हैं, उस क्षेत्र का इतिहास थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ये वाला एरिया, इसका टेक्निकल नाम वेस्टर्न एशिया करेक्ट होगा, मिडिल ईस्ट नहीं होगा। मिडिल ईस्ट अंग्रेज कहते हैं क्योंकि उनके अनुसार ये एक्सट्रीम ईस्ट यानी कि चाइना जापान नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट है। ऑलराइट, तो हम इसे वेस्ट एशिया कहें तो ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अब आम बोलचाल की भाषा में मिडिल ईस्ट शब्द ज़्यादा प्रचलित हो गया है। 7वीं सदी जब शुरू हो रही थी उस समय भारत और चाइना के बाहर दो बड़े बड़े पावर्स थे। एक था ईरान या पर्शिया, यहाँ पर था सैसनिद एम्पायर जो एक जोरोस्ट्रियन नेशनलिस्टिक डायनेस्टी थी। ये जोरोस्ट्रियन धर्म को फॉलो करते थे, यही पारसी रिलीजन जो बाद में भारत में अभी पनप रहा है या फल फूल रहा है, क्योंकि यहाँ से इसे समाप्त कर दिया गया। तो सैसनिड एम्पायर जो है इसमें जोरोस्ट्रियन रिलीजन फॉलो होता था। दूसरा बड़ा पावर था बिजेंटीन एम्पायर जो कि रोमन एम्पायर का पूर्वी हिस्सा था। तो रोमन एम्पायर 5th सेंचुरी में बिखर सा गया था। यहाँ पर इटली वाला जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वो टूट गया था और अब केवल यहाँ उसका ईस्टर्न एरिया, मेनली जो टर्की वाले एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, वो बचा था। तो ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर या जिसे बिजेंटीन एम्पायर कहा जाता था, इट वॉज मोस्टली एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एम्पायर। अब ध्यान रखिए कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो 480 AD में समाप्त हो चुका है। तो दो बड़े पावर्स हैं यहाँ पर, ईस्टर्न रोमन या बिजेंटीन, ये अपने आप को रोम ही कहते थे, बिजेंटीन कम कहते थे, और यहाँ पर पर्शियन एम्पायर। ऐतिहासिक तौर पर यहाँ पर जो ग्रीक किंगडम्स थे और यहाँ जो पर्शिया में पुराने किंगडम्स थे उनके बीच में भी युद्ध रहता था, और इसी प्रकार के युद्ध यहाँ पर इन दोनों डायनेस्टीज के बीच में भी चलते रहते हैं। तो इन डायनेस्टीज के बीच में युद्ध जो हैं उसका प्लेग्राउंड कौन सा है, ये वाला। तो इस एरिया में युद्ध होता था जो आज का इराक वाला रीजन है। तो इराक, जॉर्डन, ये सारा जो क्षेत्र है यहाँ पर युद्ध होगा, और यहाँ पर कई सारी ट्राइब्स थी जो कभी इनके साइड से या फिर कभी इनके साइड से लड़ा करती थी। अब ये जो अरेबियन पेनिनसुला है यहाँ पर बहुत सारी पॉलीथीस्ट ट्राइब्स थी। पॉलीथीस्ट का मतलब है जो मल्टीपल भगवान में विश्वास रखता है। ऐसी कई सारी ट्राइब्स यहाँ पर मौजूद थी जो इन लड़ाइयों में पर्शियन एम्पायर और रोमन और सैसनिड्स के बीच में फंस से गए थे। लेकिन ये वाली जो ट्राइब्स हैं इनके अवशेष हमें आज भी देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप सऊदी अरेबिया या UAE की हेरिटेज को देखेंगे तो वहाँ इस प्रकार के कई स्ट्रक्चर्स हैं विच आर बिफोर इस्लाम, इस्लाम के पूर्व के ये स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ महीने पहले सऊदी अरेबिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत पुरानी साइट्स को एक्सकेवेट भी किया है और इस तरह की साइट्स वहाँ पर मिलती रहती है। अब यहाँ पर रहने वाली जो ट्राइब्स थी उन्हें कहते हैं अरब ट्राइब्स क्योंकि ये अरेबियन पेनिनसुला है। तो ये थे मेनली ट्रेडर्स, देवर कैरावान ट्रेडर्स, क्योंकि याद कीजिए पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि रोमन एम्पायर और भारत के बीच में व्यापार था, तो बीच में व्यापार इस हिस्से से होता था और यहाँ पर ये सारा ट्रेड इन अरब ट्राइब्स के द्वारा किया जाता था, और इसके कारण ये काफ़ी अमीर हो गए थे। खास करके मक्का और मदीना के जो ये दो शहर हैं यहाँ पर स्थित थे, दे बिकेम वेरी वेरी रिच बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड। लेकिन अब ये जो बिजेंटीन सैसनिड वॉर्स हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, 602 और 628 के बीच में 25 साल तक लगातार लड़ाइयाँ चलती है, और इस लड़ाई में अल्टीमेटली बिजेंटीन जो हैं ये पर्शियन एम्पायर को हरा देते हैं। सैसनिड्स यहाँ पर हार जाते हैं लेकिन बिजेंटीन खुद भी कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर एक पावर वैक्यूम आ जाता है, पावर वैक्यूम पॉलिटिकल भी है क्योंकि दोनों एम्पायर कमज़ोर हो रहे हैं, और रिलीजियस भी है क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इधर जोरास्ट्रियनिज्म, ये दोनों धर्म भी कमज़ोर हो रहे हैं। कारण क्या है, दोनों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी, राइट। तो इसके कारण यहाँ पर एक पावर वैक्यूम आता है अरब ट्राइब्स वाले एरिया में, और इसी समय आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रेड भी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है। तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आता है, रोम और पर्शिया के लड़ाई के कारण व्यापार धीरे धीरे कम होता है, अरब लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए कोई कस्टमर्स नहीं है लड़ाई के समय में, और इन पॉलीथीस्ट साइट्स पर जहां पहले हज़ारों लाखों लोग आया करते थे पिलग्रिमेज के लिए, अब कोई नहीं आता है। यहां पर इनफैक्ट एक इब्राहिम का भी स्टैचू था लेकिन अब लड़ाइयों के दौरान यहां पर
कोई नहीं आता था, और मक्का जैसे शहर जो है वो धीरे धीरे गरीब होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक नॉट पुअर बट हाँ उन इतने अमीर नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। अब याद रखो उस समय पेट्रोलियम का कोई इस्तेमाल नहीं था, ज़मीन से पेट्रोलियम तब भी निकलता था, ऑयल निकलता था, लेकिन तब गाड़ियाँ नहीं थी चलाने के लिए जिनमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाए। अब रोमन्स जो हैं ये थे मोनोथीस्ट क्योंकि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। एक समय में रोमन एम्पायर भी पॉलीथीस्ट हुआ करता था लेकिन बाद में क्रिश्चियनिटी के आने के बाद में वो मोनोथीस्ट हो गए थे, और वो अपने मोनोथीस्ट आइडियाज़ लगातार इस अरेबियन पेनिनसुला में भी स्प्रेड कर रहे थे। तो इसके कारण मिडिल ईस्ट के अंदर क्रिश्चियनिटी तेज़ी से पनपता हुआ एक रिलीजन था। अब ऐसे ही बैकग्राउंड में मोहम्मद का जन्म होता है कुरैश ट्राइब में। तो मक्का के पास रहने वाली जो कुरैश ट्राइब है, बहुत सारी ट्राइब्स थी उनमें से एक पावरफुल ट्राइब थी कुरैश ट्राइब विच कंट्रोल्ड द रीजन अराउंड मक्का सिटी, यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है। मोहम्मद खुद एक व्यापारी के रूप में कई सालों तक काम करते हैं। लगभग 30 की उम्र के बाद उन्हें अचानक से एक विजन आता है जिसमें वो एंजल गैब्रियल या जिब्रील को देखते हैं, और उसके बाद से वो एक नए धर्म को आगे प्रचारित करते हैं, और इस नए धर्म में वो कहते हैं कि पॉलीथिज्म को फॉलो नहीं करना है, देयर इज ओनली वन गॉड दैट इज अल्लाह, और उन्हीं को फॉलो करना है। तो ये नया धर्म बनता है इस्लाम। इस्लाम धर्म के अंदर जल्द ही जितनी भी ट्राइब्स हैं सऊदी अरेबिया की वो शामिल हो गई, क्योंकि मोहम्मद बहुत ही अच्छे वक्ता थे और इनका जो मैसेज है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैलता है। सो ऑल द ट्राइब्स ऑफ अरेबिया आर यूनाइटेड अंडर वन फ्लैग। इतना आसान नहीं था, उसमें भी अपने आप में बहुत सारे स्ट्रगल्स वगैरह हैं, तो लेकिन वो हमारे लिए कोई काम के नहीं है अभी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। आप बस यहाँ पर ये याद रखिए कि प्रॉफिट मोहम्मद का समय काल है 572-632 AD। ओके, तो ये है 6th century का अंत और 7th century की शुरुआत। इसमें भी जो मेजर इवेंट है वो है अल हिज्र। तो हिज्र जो है वो एक माइग्रेशन है, मक्का से मदीना प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स के साथ चले गए थे, और इसी समय से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो हिजरी कैलेंडर आज भी इस्लामिक वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। अब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद में कुछ ऐसे लोग चुने गए कम्युनिटी को लीड करने के लिए, जिसे उम्मा कहा जाने लगा था, द उम्मा इज़ द कम्युनिटी। तो इस कम्युनिटी को लीड करने के लिए कैलिफ नाम की एक पोजीशन बनाई जाती है, या खलीफा भी इसे कहते हैं हिंदी में। तो कैलिफ का काम क्या था, एक तो रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों ही मामलों में आप उम्मा को लीड कीजिए, लड़ाई लड़नी है तो भी लीड करेंगे, धर्म के मामले में क्या होगा तो भी आपको लीड करना होगा। तो ऐसे में जो फर्स्ट 4 कैलिफ्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इस्लाम में, उनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंस दी जाती है। तो इस 4 कैलिफ के रूल को कहा जाता है राशिदून कैलिफेट। देखिए, खलीफा का जो शासन है वो राजा के रूप में रूल नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इट इज़ लाइक जस्ट रूलिंग लाइक अ किंग, लेकिन वो रिलीजियस लीडर भी हैं, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल ही इज़ ऑल्सो द रिलीजियस लीडर। तो 4 बड़ी कैलिफेट्स आएंगे इतिहास में, इस्लाम का जो इतिहास है 1000 साल का, इसमें लगभग 4 कैलिफेट्स आती हैं ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 1300 ईयर्स, लेकिन बीच में काफ़ी समय तक कोई कैलिफेट नहीं भी थी, इतनी पावरफुल नहीं थी। एनीवेज, आपको बस ये याद रखना है कि राशिदून कैलिफेट 632 से 661 ईयर इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 कैलिफ्स थे जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। फिर है उमैयद कैलिफेट जिसका हेडक्वार्टर था डमास्कस, ठीक है, शुरुआती सालों में हेडक्वार्टर वॉज मक्का एंड मदीना, दीज सिटीज। लेटर ऑन जब उमैयद कैलिफेट की स्थापना होती है 661 में, तब डमास्कस जो आज सीरिया का कैपिटल है वहाँ पर कैपिटल चली जाती है कैलिफेट की। देन देर इज अब्बासिद कैलिफेट जो लगभग 500 साल तक चलती है, और ये इस्लाम का गोल्डन पीरियड है। तो बगदाद में बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स होते हैं, और बाद में जब बगदाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है मंगोल्स के द्वारा, उसके बाद ये कैलिफेट जो है ये मामलुक तुर्क्स के पास चली गई थी जो इजिप्ट में रूल कर रहे थे। ये मामलुक तुर्क डायनेस्टी जो है भारत में भी थी और एक इजिप्ट में भी थी, तो वहाँ पर ये कैलिफेट चला जाता है। देन देर इज ऑटोमन कैलिफेट। तो ऑटोमन जब इजिप्ट को हराते हैं तो वो अपने आप को खलीफा घोषित कर देते हैं, ऑटोमन सुल्तान। तो ये कैलिफेट लगभग 400 साल तक ऑटोमन कैलिफेट इस्तानबुल से चलाई जाती है, रूल किया जाता है एज दी ऑटोमन किंग्स। अब इसके बाद में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये पोजीशन समाप्त कर दी जाती है ब्रिटिश के द्वारा, और इसीलिए भारत में याद करो उस समय खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। तो ये 4 कैलिफेट्स हैं, रफली आपको टाइम पीरियड इनका पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है राशिदून कैलिफेट। इन कैलिफेट्स के शासन के दौरान इस्लाम बहुत तेज़ी से दुनिया में फैलता है। इनफैक्ट इतिहास में शायद ही कोई ऐसा किंगडम है जो इतनी स्पीड से, इतनी तेज़ी से इतने बड़े एरिया में फैल गया। विद इन 30 ईयर्स, आप देखिए जो राशिदून कैलिफेट का टाइम था 661 तक, उस 30 साल के टाइम पीरियड में ही इस्लाम ऑलमोस्ट यहाँ ट्यूनीशिया और यहाँ अफगानिस्तान तक पहुँच गया था। विद इन द 30 ईयर्स ऑफ डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, आप देखेंगे कि यहाँ पर सेंट्रल एशिया, इधर ट्यूनीशिया, इधर अफगानिस्तान, और यहाँ पर पूरा अरेबियन पेनिनसुला इस्लामिक शासन के अधीन है। उमैयद कैलिफेट के दौरान और तेज़ी से एक्सपांशन होता है, यहाँ पर स्पेन, पोर्चुगल और यहाँ भारत तक इस्लाम पहुँच जाता है।
तो ये बहुत तेजी से हो पाया क्योंकि इस्लामिक आर्मीज जो हैं वो लगातार बहुत सारी लड़ाइयाँ जीतती हैं। दे कंटिन्यूसली अटैक एंड डिफीट द ऑटोमन्स, नॉट ऑटोमन्स आई एम सॉरी बिजेंटीन्स, उसके अलावा इजिप्ट में जो रूलर्स थे लगातार उनको यहाँ पर हराया जाता है। सैसनिड आर्मी को हराया गया था, वो एक बहुत मेजर बैटल थी। तो सैसनिड एम्पायर का गिर जाना ये एक बहुत मेजर इवेंट है हिस्ट्री के अंदर, और इस तरह से धीरे धीरे इस्लाम की आर्मीज आगे बढ़ती रहती हैं। तो इसी क्रम में जो उमैयद कैलिफेट आती है, उमैयद कैलिफेट अप्रॉक्सीमेटली 700 एडी के आसपास एक टास्क देती है अपने गवर्नर को कि आप भारत को जीतिए। तो यहाँ पर उमैयद कैलिफेट जो है वो डमास्कस से चलाई जाती थी, डमास्कस कैपिटल था, लेकिन वो अपने एक लोकल गवर्नर को, ईरान में स्थित एक गवर्नर को कहते हैं कि तुम जाकर आगे इसे एक्सपांड करो। तो ये जो बलूचिस्तान वाला टेरिटरी है यहाँ पर इतनी आबादी नहीं है, लेकिन उसके आगे जो इंडस नदी का फर्टाइल एरिया है वो हमारे कंट्रोल में आना चाहिए। तो एक उमैयद गवर्नर होते हैं वो अपने भतीजे को भेजते हैं। तो ये भतीजा जो है बहुत ही जवान था, 17-18 साल का लड़का था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ ईरान से आर्मी लेकर भेजा गया टुवर्ड्स सिंध। सिंध में उस समय याद करो चाच डायनेस्टी थी, जिसके बारे में हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया था। सो दिस मोहम्मद बिन कासिम एन 18 ईयर ओल्ड बॉय वो सेंट विद एन आर्मी बाय द गवर्नर ऑफ बगदाद अंडर उमैयद कैलिफेट, और ये आर्मी को लीड करते हुए बहुत सक्सेसफुली यहाँ पर चाच रूलर्स को हरा देता है। ही अटैक्ड एंड डिफीटेड दहीर द रूलर ऑफ सिंध। तो दहीर जो यहाँ के रूलर थे उन्हें हरा दिया गया, और इसके बाद से अरब रूल सिंध पर आ जाता है, और यहीं से आगे जितने भी कॉन्क्वेस्ट हैं वो जारी रखी जाएंगी। तो सिंध में अरब्स का रूल 712 एडी में स्टार्ट होता है। ईयर इज इंपॉर्टेंट, द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वॉज इन 712 एडी। लेकिन इसके आगे ये नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि 712 के बाद जो भी लड़ाई होती है उसमें गुर्जर प्रतिहार और जो लोकल राजपूत रूलर्स हैं वो लगातार यहाँ पर अरब्स को रोके रखते हैं। बैटल ऑफ राजस्थान होती है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। इस बैटल ऑफ राजस्थान में अरब आर्मीज़ की हार होती है और आने वाले 400 सालों तक लगातार यही बॉर्डर रहता है। तो आज का जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है रफली आप कह सकते हो कि वही थार रेगिस्तान वाला जो एक नेचुरल बॉर्डर है, दैट इज़ द बॉर्डर बिटवीन द अरब एरियाज एंड द रूलर्स ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पर कॉन्क्वेस्ट रुक जाती है, पूरा सिंध इनके कंट्रोल में आता है। मुल्तान और ऑलमोस्ट इंडस नदी का जो मेजर बेसिन वाला पार्ट है ये सब कुछ इस्लामिक शासन के अधीन आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अब्बासिद कैलिफेट के समय आते आते इस्लाम काफ़ी बड़े एरिया में फैल चुका है, लेकिन अब अब्बासिद कैलिफेट में एक प्रॉब्लम आती है। अब्बासिद कैलिफेट में सेंट्रल पावर कमज़ोर होता है। देखो इतना बड़ा किंगडम कोई भी बनता है उसे सेंट्रली कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच लार्ज किंगडम्स। तो कहने को वो बगदाद में जो सेंट्रल पावर है वहाँ से सब कुछ रूल हो रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जो दूर दराज के प्रांत हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली गवर्न कर रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि अब्बासिद कैलिफेट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो अब अब्बासिद कैलिफ जो हैं वो केवल रिलीजियस लीडर्स हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी कोई सुनता नहीं है। दूर दराज के किंगडम्स अपनी अपनी डायनेस्टी को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, और ऐसे में अब्बासिद कैलिफेट केवल एक रिलीजियस अथॉरिटी के रूप में सामने रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सफरीड डायनेस्टी, समनीद डायनेस्टी, इस तरह की कई इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज यहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रीजन में स्थापित हो जाती हैं। ये वाला टाइम पीरियड एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कहलाता है कई बार इस्लामिक हिस्ट्री में, 1000 टू 1200 वाला टाइम पीरियड है। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो मेन चेंज क्या था कि तुर्क्स का सेंट्रल एशिया से इन पर हावी हो जाना। तो देखिए तुर्क्स जो हैं ये इस्लामिक रूल के अधीन नहीं आते थे, लेकिन जब इस्लामिक आर्मीज यहाँ तक पहुँचती हैं सेंट्रल एशिया में तो इनका सामना होता है तुर्क से। तो तुर्क्स और मंगोल्स की जो हेरिटेज थी वो इंटरलिंक्ड थी, और यही तुर्किक लोग जो हैं इन्हीं आर्मीज़ में शामिल कर लिए जाते हैं। तो पहले तो ये लोग इन्हीं तुर्क्स को अपनी आर्मीज़ में शामिल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये तुर्किक आर्मी ऑफिसर्स जनरल्स अपना पावर इतना बढ़ा लेते हैं कि ये अल्टीमेटली इन इस्लामिक डायनेस्टीज़ को ओवरथ्रो कर देते हैं। तो धीरे धीरे अब्बासिद कैलिफेट की पावर कम हो गई है और सेंट्रल एशिया के तुर्क्स इस पूरे रीजन में हावी हो जाते हैं। तो तुर्क्स अब्बासिद एम्पायर में मर्सनरी सोल्जर्स के रूप में आए थे, लेकिन वो कुछ ही सालों में, दशकों में किंग मेकर्स बन जाते हैं और प्रोविंशियल गवर्नर्स अपने आप को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो कैलिफ की अथॉरिटी अब केवल इतनी रह जाती है कि वो गवर्नर्स को उपाधि देते हैं, टाइटल देते हैं अमीर उल उम्र, जिसका मतलब होता है कमांडर ऑफ कमांडर्स या फिर जनरल का टाइटल है। लेकिन धीरे धीरे अमीर का मतलब ये बन जाता है कि ये इंडिपेंडेंट रूलर है। तो इंडिपेंडेंट रूलर अमीर जब बनते थे तो अपने आप को सुल्तान कहना स्टार्ट कर देते थे। भारत में भी आप यही देखोगे, जब हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में आगे, तो वो सुल्तान टाइटल अडॉप्ट करते हैं। सुल्तान का मतलब ही यही है कि वो इंडिपेंडेंट है, राइट? अगर कोई कैलिफ के अधीन है देन ही इज कॉल्ड अमीर,
और जो कैलिफ से थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो अपने आप को सुल्तान कहेगा, और जो कैलिफ की अथॉरिटी को मानता ही नहीं है वो आगे अपने आप को बादशाह कहेगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये जो समनीद अमीरेट्स हैं, ये समनीद अमीरेट या सफरीद अमीरेट के अंदर धीरे धीरे बहुत सारे तुर्किक सोल्जर्स आकर अपना कल्चर लेकर आते हैं। अब ये तुर्किक ट्राइब्समैन जो है, ये शुरुआत से लूट और फास्ट मूवमेंट करके अटैक करने में काफ़ी फेमस रहे थे। सेंट्रल एशिया से भारत में वैसे भी बहुत सारे अटैक्स हुए थे, बीट, कुशान, शक, हूण, ये सारे सेंट्रल एशिया से भारत पर कई बार हमला कर चुके थे। तो ये तुर्क जो हैं उन्हीं के वंशज हैं, और इसीलिए ये घुड़सवार बहुत अच्छे थे, तीरंदाजी अच्छी करते थे, और इन्हें अटैक करना और फास्ट मूवमेंट करना बड़ा ही सही लगता था। तो ये बहुत जगह लूट खसोट करते थे। दे वेर वेरी मच अडेप्ट विथ रैपिड रेड्स। रैपिड रेड का मतलब है कि कहीं पर गए, एक दिन में जाकर हमला किया और वापस आ गए, तो रेड मारो और रिट्रीट कर जाओ, लूट करके वापस आ जाओ। ये रूल करना या गवर्न करने में बिलीव नहीं करते थे। तो इनके घोड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सेंट्रल एशिया में बहुत अच्छे घोड़े हैं, लंबा डिस्टेंस ये घोड़े पर कवर कर सकते थे, और इनकी तीरंदाजी की स्किल्स जो हैं वो दुनिया में सबसे बेहतरीन होती थी। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नेंस के ना होने के कारण कई सारे तुर्किक किंगडम्स आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि तुर्क जो है कई बार अपनी लॉयल्टीज बदल लेते थे, और इसी प्रकार से ये इस्लामिक किंगडम्स में भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। भारत में क्या हो रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो ब्रेकअप हो रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उत्तर भारत में, तो ये आपस में ही लड़ने में इतने बिजी हैं कि ये तुर्किक आर्मीज को इग्नोर कर देते हैं। इनको लगता है कि ये तुर्किक आर्मीज इतना बड़ा खतरा नहीं है। 9th सेंचुरी के खत्म होते होते ईरान और आज का जो खुरासान या अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पर समनिद डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो गई थी। ये समनिद जो है ये ओरिजिनली पर्शियंस थे बाय डिसेंट, लेकिन ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, सो इट वॉज एन इस्लामिक डायनेस्टी। अब इनका सामना होता है तुर्क से। तो ये तुर्क जो अभी मुस्लिम्स नहीं है, दे आर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये पेगन रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, ये इन समनिद्स पर हमला करते हैं। और पहले तो समनिद्स इन्हें कहते हैं कि ये काफिर हैं, इनफिडेल हैं, ये धर्म को फॉलो नहीं करते, तो ऐसे में इन्हें कन्वर्ट किया जाता है। कई बार ये जीत भी जाते हैं, कई बार हार जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वेव ऑफ अटैक्स है, एक दिन में अटैक नहीं हुआ था, लगातार सालों तक ये अटैक्स चलते रहे, और कई सारे तुर्क जो समनिद्स के संपर्क में आते हैं उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसी समय एक नए प्रकार के सोल्जर का डेवलपमेंट देखा जाता है, जिसे गाजी कहा जाएगा। तो गाजी उस सोल्जर को कहेंगे जो सैनिक भी है और जो मिशनरी यानी कि धर्म को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहा है। तो ये सैनिक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसे गाजी कहा जाने लगा। धीरे धीरे तुर्क्स को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 50-70 ईयर्स तुर्क्स बहुत सारी संख्या में सेंट्रल एशिया से इधर खुरासान की तरफ आते हैं, और ये धीरे धीरे इस्लाम अपनाना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं तुर्क्स में से एक व्यक्ति ने एस्टाब्लिश किया कौन सा किंगडम, गजनी वाला। तो गजनवीद जो हैं ये वही तुर्किक थे, तो ये सेंट्रल एशिया से तुर्क्स आए थे और अफगानिस्तान में आकर बस गए थे, यही थे गजनवीद। ओके, अब इनकी जो पुरानी आदतें थी लूट की वो गई नहीं थी, और अब साथ साथ में ये कहते थे कि हम इस्लाम की तलवार भी हैं। तो पहले ये जिनसे लड़ाई लड़ रहे थे समनिद्स के सामने, अब उन्हीं का काम ये कर रहे हैं। तो समनिद्स की जगह अब ये अपने आप को इस्लामिक शासक घोषित कर देते हैं इस क्षेत्र का, अफगानिस्तान ईरान वाला एरिया है, और ये कहते हैं दैट वी आर द स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम और द डिफेंस ऑफ इस्लाम। तो इन्हीं में से एक तुर्किश स्लेव था जो बाद में एक मिलिट्री ऑफिसर बना था, जिसका नाम था अलप्तजिन। तो अलप्तजिन जो है ये समनिद्स के एम्पायर में एक गवर्नर बन जाता है, लेकिन 962 में ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके गजनी में अपना कैपिटल स्थापित कर देता है। हालांकि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थे, ही वॉज लाइक पार्शली इंडिपेंडेंट, लेकिन इनका जो बेटा है जिसका नाम था सबुक्तजिन, तो सबुक्तजिन वॉज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। सबुक्तजिन का शासन था 977 to 998। अब सबुक्तजिन का जो बेटा है, जिसका अगेन नाम कई बार सबुक्तजिन ही कहा जाता है, ही बिकम्स प्रॉपरली इंडिपेंडेंट। तो 998 में सबुक्तजिन, या फिर जिसे हम भारत में कहते हैं महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनी, ये गद्दी संभालता है। और 998 से 1030 तक इनका जो ये 32 साल का शासन है, इसमें ये अपने किंगडम को बहुत बड़े स्तर पर एक्सपांड करते हैं। तो अब आप एक बात समझिए कि ये अरब्स नहीं है। भारत में जो इनिशियल अटैक हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, ही वॉज एन अरब, लेकिन अब ये जो 11th सेंचुरी की शुरुआत या फिर 10th सेंचुरी के एंड में जो अटैक्स होंगे, दे वर कैरिड आउट बाय तुर्क्स। तो ये एथनिकली तुर्क्स थे, एथनिक तुर्क्स थे गजनवीज। आप इनके पेंटिंग्स में आप देखिए, इनके फेशियल फीचर्स भी आपको तुर्क्स या मंगोल्स जैसे नजर आएंगे, सेंट्रल एशियन फीचर्स हैं इनके। तो यहाँ पर ये डायनेस्टी कहाँ से आई है आपको अब आई होप समझ में आ गया होगा। तो अलप्तजिन और सबुक्तजिन नाम याद रख लेना। कई बार महमूद को भी सबुक्तजिन कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने फादर का नाम अडॉप्ट कर लिया था, सो ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज सबुक्तजिन समटाइम्स। तो कभी कभी क्वेश्चन टफ बनाने के लिए इस तरह से आपको नाम चेंज करके भी सवाल पूछा जा सकता है।
अब ये एक अफगान हीरो बन गए थे क्योंकि इन्होंने अपने ही पुराने तुर्किश इन्वेडिंग ट्राइबल्स को हरा दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर बन जाते हैं। इनका जो 32 साल का शासन था, इसकी हाईलाइट ही यही थी कि इन्होंने भारत पे 17 बार हमला किया। सो ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स। क्यों? देखो, गजनवीद एम्पायर जो है ये इस पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित था, इनके पास कोई बहुत फर्टाइल एरियाज नहीं थे। भारत एक अमीर देश था, सोने की चिड़िया था, यहाँ पर बहुत सारी धन संपदा थी जिसे लूट कर ले जाया जा सकता था, इसीलिए बार बार यहाँ हमला किया गया। इनका यहाँ पर कोई किंगडम या साम्राज्य स्थापित करने का लक्ष्य नहीं था। गजनवीद ओनली वॉन्टेड टू रेड, लूट एंड प्लंडर, यही इनकी स्ट्रैटेजी थी, यही इनका तरीका था, यही एटीट्यूड था, और इसी को गजनवीद ने लगातार 30 साल तक किया। तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया गया, लेकिन इसी समय ध्यान में रखिए कि ईरानियन नेशनलिज्म तेजी से बढ़ रहा था। अब पर्शियंस यानी कि जो ईरानियंस हैं, उन्होंने अरेबिक धर्म को तो अपना लिया था, इस्लाम को, लेकिन अरेबिक लैंग्वेज और कल्चर को ये कभी अपना नहीं पाए थे। और सैसेनिड एम्पायर के खत्म होने के बाद इनको लगता था कि हमारा जो नेशनलिस्टिक प्राइड है वो कम हो गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक पर्शियन रिवाइवलिज्म देखा जाता है। तो पर्शियन पोएट है फिरदौसी, ये महमूद के कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि महमूद तो पर्शियन है, और इन्होंने किताब लिखी शाहनामा, और इस शाहनामा में गजनवीद की लड़ाइयों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया। तो शाहनामा जो है इसमें ईरान के राजाओं की पूरी हिस्ट्री बताई गई है, तो ईरान के जो शाह हैं उनकी स्टोरी है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड शाहनामा। और इसी में लिंक कर दिया गया कि ईरान के रूलर्स में ही आगे चलकर महमूद ऑफ गजनी आ जाते हैं। तो इस तरह से लिंकेज बिठा दिया इन्होंने, और ईरानियन पेट्रियटिज्म को बढ़ाने के लिए ये कहा गया कि गजनी जो है ये पर्शियन है, ही इज़ एन एथनिक पर्शियन, जबकि रियलिटी में ही वॉज एन एथनिक तुर्क। ओके, अब महमूद ने भारत पर 17 बार हमला किया, और सबसे बड़ा चैलेंज जो महमूद को मिलता है वो मिलता है पेशावर और पंजाब के हिंदू शाही डायनेस्टीज से। तो आप इस मैप में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको शाहीज लिखा हुआ दिखेगा, तो ये हिंदू शाही रूलर्स थे जो यहाँ पर अफगानिस्तान, पेशावर, काबुल वाला जो एरिया है वहाँ पर रूल कर रहे थे, दैट इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इन हिंदू शाही रूलर्स से गजनवीद की लगातार लड़ाइयाँ चलती है, और इन लड़ाइयों में कई सारी अलायंस बनती हैं, कई सारी अलायंस टूटती हैं। इन अलायंस में जो मुल्तान के मुस्लिम रूलर्स हैं, याद करो मोहम्मद बिन कासिम ने जो यहाँ पर मुस्लिम शासन स्थापित किया था वो चल रहा है, तो यहाँ पर जो मुस्लिम डायनेस्टीज थी कई बार वो इन हिंदू शाहीज का सपोर्ट करती हैं, और ये गजनवीद से लड़ते हैं, क्योंकि गजनवीद इन पर भी अटैक करते थे। गजनवीद को इससे कोई लेना देना नहीं था कि ये मुस्लिम है, इन पर भी हमला किया जाता था, इन पर भी किया जाता था। तो कई बार हिंदू शाहीज और मुल्तान के रूलर ने एक अलायंस बनाई। तो 1001 में महमूद के खिलाफ एक अलायंस होती है हिंदू शाही रूलर जयपाल और मुल्तान के मुस्लिम शासक की, लेकिन इन दोनों को महमूद ने हरा दिया था, ठीक है। और महमूद जो है ये जयपाल से काफ़ी नाराज़ रहता था, क्योंकि जो जयपाल हैं ये गजनी पर अटैक कर चुके थे बिफोर महमूद बिकेम सुल्तान। तो महमूद के जो पिताजी हैं सेबुक्त, जिनके समय में जयपाल वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर, तो जयपाल ने काबुल से हमला किया था गजनी पर। तो आज के समय में तो ये दोनों शहर अफगानिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उस समय ये अलग अलग किंगडम में हुआ करते थे। तो जब 1001 में महमूद ने जयपाल को हराया तो जेल में डाल दिया, और उसके बाद कहते हैं कि जयपाल ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद आनंदपाल यहाँ के रूलर बनते हैं, तो किंगडम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। फिर से एक बड़ी लड़ाई होती है 1008-1009 में, नाम इंपॉर्टेंट है इस लड़ाई का, बैटल ऑफ वाई हिंद, जो आज के पेशावर शहर के निकट हुई थी। यहाँ पर अगेन महमूद वर्सेस आनंदपाल, हु इज़ द हिंदू किंग एंड मुस्लिम रूलर ऑफ मुल्तान, ये फिर से अलायंस बनाते हैं, और यहाँ पर इस बार उनके साथ खोखार्स भी थे। तो खोखार जो हैं ये पंजाब की एक बहुत ज़बरदस्त वॉर लाइक ट्राइब थी, जिनको लड़ाई में बहुत ही पारंगत हासिल थी, लेकिन महमूद के जो कैवलरी आर्चर्स हैं यानी कि घुड़सवार सैनिक जिनको तीरंदाजी करनी आती है, ये इसके लिए लड़ाई जीत जाते हैं। तो देखिए महमूद जो है ये तुर्किक आर्मीज का इस्तेमाल करते थे, और तुर्क्स वेर वेरी गुड हॉर्समैन। इनफैक्ट तुर्किक आर्मीज में शामिल होने के लिए एक टेस्ट होता था, जिसमें आपको घोड़े पर सवार होकर लगभग 100 मीटर की दूरी पर लगाए गए एक निशाने पर तीर चलाना है। अगर आप ये घोड़ा चलाते चलाते घोड़ा दौड़ाते हुए वो निशाना लगा लेते हैं तो ही आप सैनिक बन सकते थे, इतना स्ट्रिक्ट आर्मी के लिए इनका एक टेस्ट होता था। तो कैवलरी आर्चर्स वेर वेरी गुड, तो घुड़सवारी करते हुए तीर चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके कारण ये लड़ाइयाँ जीत जाते थे, क्योंकि ये कला और किसी को नहीं आती थी, ये तुर्क इसमें पारंगत थे, भारत में ये कला बहुत ही कम लोगों को आती थी, इतना इसका ट्रेंड नहीं था, इसीलिए ये लगातार आर्मीज इनकी जीतती जाती हैं। तो इस लड़ाई में, बैटल ऑफ वाई हिंद में, हिंदू शाही डायनेस्टी और मुल्तान के शासक पूरी तरह से हार जाते हैं, एंड देयर टेरिटरीज आर कैप्चर्ड बाय महमूद ऑफ गजनी। तो अब गजनी को भारत का रास्ता मिल गया है, तो भारत यानी कि जो आज का इंडियन कंट्री है उसके बीच में और गजनी के बीच में जो ये दो किंगडम्स थे बड़े बड़े, इनको हरा दिया गया है। अब इसके बाद लगातार गजनी भारत पे हमला करता रहता है,
कई सारे जो इनके अटैक्स थे उनमें सबसे खतरनाक बताया जाता है 1018 में जो कन्नौज और मथुरा में हमला हुआ। मथुरा में कई मंदिरों को तोड़ दिया गया, कन्नौज में बहुत ज़बरदस्त लूटपाट मचाई गई। इनफैक्ट कन्नौज विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़, याद करो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, अब ये कन्नौज आज दिन तक उस ग्लोरी को वापस हासिल नहीं कर पाया है। कलिंजर पर हमला किया, बुंदेलखंड में हमला किया, तो ये उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है यहाँ पर 1018 में बड़ा हमला किया गया। 1025 में सोमनाथ टेम्पल पर बहुत बड़ा हमला होता है, यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं सोलंकी रूलर्स, ये इस मंदिर को बचाने के लिए बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ते हैं लेकिन अल्टीमेटली हार जाते हैं, और उसके बाद सोमनाथ मंदिर को काफ़ी बुरी तरह से लूटा जाता है और सोमनाथ मंदिर को तोड़ भी दिया जाता है। सोमनाथ मंदिर इतिहास में कई बार तोड़ा गया है, कई बार बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि केवल एक बार गजनी नहीं तोड़ा है इसे, मल्टीपल टाइम्स इट वॉज ब्रोकन एंड मल्टीपल टाइम्स इट हैज़ बिन बिल्ट बैक। लेटेस्ट जो बनाया गया है इसे सोमनाथ मंदिर को, वो 1950s में आज़ादी के बाद में बनाया गया था, ओके, और ये आज़ादी के पहले की फोटो है, तो ऐसा मंदिर नज़र आता था सोमनाथ मंदिर। तो महमूद जो है वो यहाँ पर आकर अटैक तो करते थे, लूट प्लंडर ये सब किया करते थे, लेकिन इनका यहाँ पर रूल करने का कोई इरादा नहीं था। अब एक सवाल और भी आता है कि महमूद को राजपूत राजाओं ने क्यों नहीं रोका, तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, महमूद ऑफ गजनी, इसको पता था कि आर्मी से कैसे बचना है, तो राजपूत आर्मी से बचने के लिए ये व्यक्ति अपनी सेनाओं को जैसे सोमनाथ जब लेके गया तो इसने क्या करा कि थार डेजर्ट का इस्तेमाल किया, तो इनकी पूरी आर्मी यहाँ रेगिस्तान के माध्यम से होते हुए गुजरात तक पहुँच गई थी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चालाकी वाली ट्रिक थी, और आपस में ये राजपूत किंगडम सब लड़ने में बिजी थे तो इनको गजनी से इतना ज़्यादा थ्रेट लगा नहीं था, और गजनी आता भी लूट वूट के लिए था, तो इनको लगता है कि इज़ नॉट अ परमानेंट थ्रेट इससे कभी नज़र नहीं आया, और यहाँ पर इसने बड़ी चालाकी से रेगिस्तान को क्रॉस करते हुए गुजरात पर भी कई बार हमले किए थे। नाउ गजनी के साथ एक भारत में ऑथर आते हैं जिनका नाम है अल बेरूनी। तो अल बेरूनी जो है इन्होंने एक किताब लिखी जिसको कहते हैं किताबुल हिंद, जिसका लिटरल मीनिंग ये है कि भारत की किताब। तो किताबुल हिंद में इन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में लिखा। तो देखिए अरब ट्रेडिशंस जो हैं अब्बासिद कैलिफेट में, वहाँ पर बगदाद में काफ़ी लिटरेचर लिखा जा रहा था, तो उस लिटरेचर में भारत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो अल बेरूनी की जो ये किताब है ये उस समय काफ़ी फेमस हो गई थी, किताबुल हिंद, और इसके लिए कहते हैं कि अल बेरूनी ने यहाँ भारत में रहकर पहले संस्कृत सीखी, फिर संस्कृत की नॉलेज को उसने ट्रांसलेट किया अरेबिक में, पर्शियन में, और फिर उसे लिखा। 1030 में महमूद की डेथ हो जाती है। महमूद का जो बेटा है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था, उसे बाद में दूसरे तुर्क्स ने हरा दिया, सेल्जुक तुर्क्स जो हैं वो इसे हरा देते हैं, और गजनवीज की काफ़ी टेरिटरी चली जाती है, ईरान अफगानिस्तान में उनकी ज़्यादातर टेरिटरी चली जाती है, लेकिन उनके पास अब अभी भी इंडिया वाला पंजाब और गजनी शहर बचता है, और यहां से ये लगातार अपनी रेड्स आगे कंटिन्यू रखते हैं, बट दे वर नॉट एज पावरफुल एज महमूद। सो महमूद गजनवी जो है यही अपनी इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर है, और इसके पहले और इसके बाद कोई खास डायनेस्टी में दम नहीं था, लेकिन जब ये 32-33 साल इसने अपनी डायनेस्टी चलाई उस समय गजनवीद एम्पायर काफ़ी पावरफुल होकर ऑलमोस्ट इतने बड़े एरिया पर रूल कर रहा था। तो इसी के साथ ये लेक्चर आज हमने समाप्त किया। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से मोहम्मद घोरी भारत आता है और क्या आगे हिस्ट्री कंटिन्यू होती है। लेक्चर नंबर 6-7 कंटिन्यूसली अब आएंगे, इस महीने के अंदर हम मिडिवल हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। तो फरवरी में कुछ कारणों से, सेहत के कारणों से, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब आपको मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर मार्च में पूरी तरह से मिल जाएंगे एंड वी विल फिनिश दिस सीरीज। इसमें लगभग 25 लेक्चर्स आने वाले हैं। PDF यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, यहाँ पर देखिए हम आपको लाइव पढ़ाते हैं। तो लाइव पढ़ने में क्या होता है, आपके डाउट्स वगैरह रिजॉल्व हो जाते हैं बेहतर तरीके से। YouTube पे भी हम पढ़ाते हैं लेकिन यहाँ पर डाउट्स रिजॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो आप अगर मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी का ये प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दोनों ही सब्सक्रिप्शन के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। प्राइसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी लिखी हुई है। महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर आपको हमेशा 10% डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप कोई भी कोर्स इस्तेमाल कोई भी कोर्स आप परचेस करें ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं, यहाँ भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटरिंग मिलेगी, उसके बेनिफिट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और याद रखिए अभी एक बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, अगर आप GS का कोर्स लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उसमें ऑप्शनल कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो जो हमारा कॉम्बो कोर्स होता है जिसमें ऑप्शनल और GS दोनों होता है, उसमें आपको अभी GS के प्राइस में कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इसका बहुत जल्दी फायदा उठाइए। एक साल का कोर्स केवल 46,700 रुपीज़ का है और इसमें 27,000 रुपीज़ वर्थ का जो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है ये फ्री में आपको मिल रहा है। सो यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी
और यहाँ पर भी कोड लगा दोगे तो 10% और डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 1 ईयर कोर्स या 2 ईयर कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। आई थिंक 18 मंथ्स इज अ गुड इनफ टाइम। अगर आप सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं तो 18 महीने आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए चाहिए, तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। मेरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं, जिनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। हमारे नए बैचेस 16 मार्च को स्टार्ट हो रहे हैं और 12 मार्च को राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हमारे नए स्टोर्स का इनॉग्रेशन हो रहा है। 12 मार्च को मैं भी आपको मिलूंगा दिल्ली में, सो यू कैन कम एंड मीट मी इन मुखर्जी नगर। सुबह 9 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक ये इवेंट होगा, यहाँ पर आप आ सकते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए एक लिंक है, आप जब आएंगे स्टोर पर तो बहुत अच्छा हम एक आपके लिए एक पूरा प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप आइए, मुझसे मिलिए, अन्य एजुकेटर से भी आप मुखातिब हो सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स आपको जल्दी शेयर कर दी जाएंगी, नीचे उसमें एनरोलमेंट लिंक आपको मिल जाएगा पिन कॉमेंट में। अगर कोई भी डाउट है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इस नंबर पर आप फ़ोन कीजिए। EMI ऑप्शन पर आप सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। चैंपियनशिप आ रही है 27 मार्च को, इसमें एनरोल कीजिए। अभी से एनरोल करोगे तो Amazon वाउचर्स जीतने का मौका है, लिंक नीचे पहले कमेंट में है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।